थाना घिरौर क्षेत्र में अपहरण की जांच को लेकर आए परिजनों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और वही भूख हड़ताल पर बैठ गए। पीड़ित परिवार की ओर से 3 सूत्री मांगों की जांच के लिए परिवार ने जिलाधिकारी को जांच की मांग के बारे में ज्ञापन दिया और वही भूख हड़ताल पर बैठ गए। बताते चले कि मामला घिरौर थाना क्षेत्र के नगला बाग का है। निवासी अवधेश कुमार पुत्र अमृत लाल का अपहरण हो गया। 17 अगस्त 2020 को अपने साली की गोद भराई में घर से जाते समय रास्ते से ही गायब हुआ था तथा वही परिजनों का कहना है कि पुलिस के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित परिवार बहुत ही ज्यादा सदमे में है। परिजनों का साफ साफ जिलाधिकारी से कहना है कि घटना में शामिल दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर उनको जेल भेजा जाए। जिलाधिकारी से मिलने के बाद परिजनों ने 1 घंटे में परिणाम देखने की मांग की है, अन्यथा पीड़ित परिवार अनिश्चित भूख हड़ताल पर बैठने को भी तैयार है। सर, मेरे एक अभियुक्त है जिनका नाम अवधेश कुमार है, जिनकी यानी कि 17-10 को पकड़ हो गई थी सर, तो वो अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई ना की गई है सर, और ना हमारा कोई अभियुक्त मिला है सर, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। तो अभी आप SP से मिले, किन से मिले, किसी से मिले? सर, हमने SP वगैरह से सर पहले से दे रखी है। हम अब क्या कहते हैं, भूख हड़ताल के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं सर, जो कि हम थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे सर। जनपद मैनपुरी से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट।